हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल गाइज। यू नो, मॉडर्न ट्रेडिंग चैनल पर मैंने एक ऐसी सीरीज चलाई हुई है कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लेकर के, जिसमें आप सभी को मैंने पर वीडियो में अलग अलग कैंडलस्टिक्स को लेकर के वीडियो बनाई हुई है। पर कैंडल किस तरह से वर्क करती है, ये क्या होते हैं, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह से ये अप्लाई हो सकते हैं और किस तरह से हम इनको मार्केट चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करके इन पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम इन पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्योंकि बता चुकी हूँ। एंड गाइज, यू नो, पार्ट फर्स्ट की वीडियो में मैंने आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में बताया था। पार्ट टू की वीडियो में आप सभी ने ग्रैबस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई दो चीज़ के बारे में जाना। पार्ट थ्री की वीडियो में शूटिंग स्टार्स के बारे में जाना था, ओके। एंड गाइज, पार्ट फोर की वीडियो में मॉर्निंग स्टार्स एंड इवनिंग स्टार्स के बारे में जाना। एंड पार्ट फाइव की वीडियोज़ में मारुवुजु कैंडलस्टिक्स के बारे में जाना। एंड पार्ट सिक्स की वीडियो में लॉन्ग लेग्ड दोजी एंड न्यूट्रल दोजीज़ के बारे में जाना। पार्ट सेवन की वीडियो में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जाना। तो गाइज, ये सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या हैं और किस तरह से हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पर किस तरह से मेरे पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आज आप सभी को इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ लाइव आप सभी के सामने, ओके। सो गाइज, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ओके। एंड गाइज, क्यूटेक्स पर अगर आप सभी ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड वहाँ से आप हमारे वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहाँ से और ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ओके। एंड गाइज, सीरीज के सातों पार्ट्स की वीडियो के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पर वहाँ से जाकर के आप स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पर कैंडलस्टिक्स के सारी वीडियोस देख सकते हैं, ओके। सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं एंड इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर हम ट्रेड करके देखते हैं और देखते हैं कि ओटीसी के चार्ट्स पर किस तरह से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो सकते हैं, इनकी श्योरिटी के कितने परसेंट चांसेस रहते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यूटेक्स के लाइव अकाउंट में, जिसमें आप सभी को इस वक्त मेरे लाइव अकाउंट में 6000 अबव डॉलर का लाइव बैलेंस आपको शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन सीरीज पर, जिन टॉपिक्स पर, जिन स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर प्रीवियस सीरीज निकाली गई है, जिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न पर कंटिन्यू वीडियोज पहले निकल चुकी हैं, उन पर स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स की वो किस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं और किस वीडियो में मैंने किस जगह पर किस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में कैसे कैसे बताया है, ओके। तो उन सारी जो मैंने सीरीज निकाली हुई है, उन सीरीज के रूल्स के बेसिस पर मैं आप सभी को यहाँ पर ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, ओके। जो पहले सेवन पार्ट्स की वीडियो निकली हुई है, सीरीज निकली हुई है, उन सेवन पार्ट्स की प्रॉपर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, उन्हीं के बेसिस पर आज मैं आप सभी को यहाँ पर लाइव चार्ट पर ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, ओके। सो गाइज, ये ओटीसी का मार्केट है और आज संडे का दिन है और मैं इस वक्त नाइट में ट्रेड कर रही हूँ, अबव लगभग 10:05 पर मैं ट्रेड कर रही हूँ। EUR GBP OTC के चार्ट पर 92% प्रॉफिट रेट पर आप सभी को मैं ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ, ओके। सो पिछले टाइम मैं यहाँ पर एक घंटे का चार्ट ओपन कर लेती हूँ, ओके। सो यहाँ पर ये हमें एक घंटे का चार्ट आप सभी को शो हो रहा होगा, ओके। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 21:10 मतलब 9:10 से यहाँ पर 10:06 तक एक घंटे का मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है। सो मैं यहाँ पर जो जो कैंडल्स मैं बता चुकी हूँ जिन जिन के बारे में, वो यहाँ पर आप सबको पर कैंडल के बारे में बताती रहूँगी, ओके। सो फर्स्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें जो अपनी आइडेंटिफाई कैंडल दिखाई दे रही है वो हमारी ये कैंडल रही, रेड कलर की, ओके। ये हमारी ग्रैबस्टोन दोजी है। पार्ट टू की वीडियोज़ में, सीरीज़ की पार्ट टू की वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ ग्रैबस्टोन दोजी एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी के बारे में, ये क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बनने पर मार्केट फ्लो के चांसेस क्या रहते हैं, सारी चीज़ों को मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, ओके। सो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जब भी मार्केट में हमारा ग्रैबस्टोन दोजी देखने को मिलता है तो वो हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारी डाउनवर्ड की ओर बनेगी। सो आप देख सकते हैं ये हमारी ग्रैबस्टोन दोजी है, ये वाला जो हमारा बॉडी पार्ट दे रखा है ज़मीन से, ग्रेव से कनेक्टेड है। सो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनी है डाउनवर्ड की ओर बनी हुई है, रेड कैंडल, आप सब देख सकते हैं। ग्रैबस्टोन के बनने के बाद आप जैसे ही डाउन की ओर ट्रेड प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली हम विन कर जाते हैं, ओके। देन अगर हम नेक्स्ट ग्रैबस्टोन दोजी की बात करें, सो ये हमारी ग्रैबस्टोन दोजी बनी हुई आप देख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई दोजी।
ग्रेवस्टोन दो जी जो ग्रेव से कनेक्टेड हो नीचे की ओर जिसका बॉडी पार्ट हो, और ड्रैगन फ्लाई मतलब जो कि ड्रैगन की तरह आपको शो हो, जो कि आपको स्काई से कनेक्टेड हो। ओके आप सब देख सकते हैं ये, ओके जो कि आकाश से कनेक्टेड हो। तो जैसे ही मार्केट में हमारा ये ड्रैगन फ्लाई देखने को मिलता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि हमें जो नेक्स्ट कैंडल प्रेस करनी है वो हमें अप की ओर लेनी है, पॉट की ओर। ओके सो आप यहाँ पर ट्रेड प्रेस करते हैं अबव, चाहे 1 मिनट की या फिर 3 मिनट की या फिर 4 या 5 मिनट की, आप यहाँ तक ट्रेड प्रेस करते हैं, ऑब्वियसली ये ट्रेड आपको विन देखने को मिलती है। ओके सो आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट टू वीडियो के बेसिस पर हमारा ड्रैगन फ्लाई दो जी रहा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो हमारी अबॉट की ओर बनी है। ओके आपको समझ में आ रहा होगा। ओके सो अगर मैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करूँ, सो गाइज फर्स्ट सीरीज की पार्ट फर्स्ट की वीडियो में, सीरीज की जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें आप सभी को हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में बता चुकी हूँ। ओके सो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब भी मार्केट में हमारा ग्रीन कलर का हैमर यानी हैंगिंग मैन हमें देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अपॉर्ट की ओर जाएगा। ओके सो एक हमारा यहाँ पर ये हैंगिंग मैन देखने को मिला है ग्रीन कलर का, एक ये देखने को मिला है, एंड दोनों हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा मार्केट अपॉर्ट की ओर चल रहा है। ओके ट्रेंड हमारा अपॉर्ट की ओर चल रहा है। यहाँ बने पर आपको 1 या 2 मिनट की या 3 मिनट की या फिर यहाँ 10 मिनट की आप ट्रेड लगा देते, ऑब्वियसली आप विन कर जाते हो। ओके यहाँ के बेसिस पर, ओके होप्स आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आई आ रही होंगी। एंड गाइज मैंने आपको बताया था ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में, यहाँ पर हमें एक और ग्रेवस्टोन दोजी देखने को मिला है, ग्रेवस्टोन दोजी देखने को मिला, हमारी डाउनवर्ड की ओर ट्रेड आई हुई है। ओके आप यहाँ ये बनने के बाद डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस करते आप ऑब्वियसली ट्रेड विन कर जाते। ओके एंड ये हमारा जो हैमर बना हुआ है हैंगिंग मैन रेड कलर का, मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट फर्स्ट वीडियो में कि जब भी मार्केट में हमारा रेड कलर का हैंगिंग मैन देखने को मिलता है वो वहाँ पर हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारा डाउनवर्ड की ओर जाने वाला है, नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउनवर्ड की ओर जाएगी। ओके सो यहाँ पर हमारा रेड कलर का ये कैंडल स्टिक्स बनने के बाद, हैमर हैंगिंग मैन बनने के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल गई हुई वो हमारी डाउनवर्ड की ओर गई हुई है। ओके यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी आप ट्रेड पास करते आपकी ट्रेड विन कर जाती। ओके एंड गाइज ये देख रहे हैं ये हमारा अबव, आप देख रहे हैं कि लगभग हैंगिंग मैन एज अ इक्वल आप कह सकते हैं कि ये हमारा ड्रैगन फ्लाई ठीक है बना हुआ है, आसमान से कनेक्टेड है, देन हमारी नेक्स्ट के अंदर ग्रीन बनी हुई है। ओके एंड गाइज इसके अलावा और हम बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो बना हुआ है, ओके ये हमारा अभी इस वक्त जो हमारी कैंडल बन रही है आप देख रहे हैं अभी अपॉर्ट का ट्रेंड चल रहा है। ओके अपॉर्ट के इस ट्रेंड में किस तरह से, और ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है ये हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है। ओके सो अभी यहाँ पर हम इन ट्रेड के बेसिस पर, चूंकि ये फुल कैंडल बनी हुई है, मैं यहाँ पर $50 की ट्रेड डाउनवर्ड की ओर प्रेस करूँगी। ओके 4 ट्रेड्स मैंने अप्लाई की हुई हैं, देखते हैं कि हमें इन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, हम वेट करते हैं। ओके ये हमारी गुड विन, ओके अच्छी खासी ट्रेड हमारी विन होकर के आई हुई है आप देख सकते हैं। ओके 14 सेकंड से हमारे पास वेट करेंगे कि हमें ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिला, हालांकि हमारी ये शोर शॉट विन है ट्रेड। ओके देन मैं आप सभी को अगली नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताऊं तो गाइज आप सब देख सकते हैं ये जो हमारी अभी इससे पहले ये हमारी यहाँ पर $384 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके देन अभी हमें जो यहाँ पर चाइल्ड वार स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिली थी ये वाली ये, ओके तो मैं आप सभी को लास्ट जो पार्ट 7 वीडियो है उसमें आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब भी मार्केट में हमारी स्पिनिंग टॉप या चाइल्ड वार कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ पर ये हमें इंडिकेट करता है, रेड कलर की स्पिनिंग टॉप देखने पर ये इंडिकेट करता है कि वहाँ से हमारा फ्लो चेंज होने वाला है। ओके तो यहाँ पर हमारा मार्केट का फ्लो चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस की थी। ओके होप्स आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस की थी, देन यहाँ पर हमें अच्छा खासा शोर शॉट प्रॉफिट देखने को मिला है। ओके देन मैं यहाँ पर अभी आप सभी को और नेक्स्ट कैंडल प्रेस करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट करेंगे 10 सेकंड्स का। एंड गाइज यहाँ पर अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ लाइक एज कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बेसिस पर सिमिलैरिटी के बेसिस पर हैंगिंग मैन देखने को मिला। सो गाइज हम यहाँ पर अगेन यहाँ ट्रेड प्रेस कर देंगे। ओके अपॉर्ट की ओर 2 ट्रेड मैंने प्रेस की हुई है। ओके देन वेट करते हैं कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न बना हुआ है तो ऑब्वियसली बात है गाइज मुझे यहाँ पर डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं वेट करेंगे। एंड मैं यहाँ पर अपना अमाउंट बढ़ाऊँगी। ओके
देन यहाँ पर मैं $500 इन्वेस्ट करूँगी। ओके अगेन हमारा रेड कलर का स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडल जाएगी वो भी हमें ऑब्वियसली वही डाउनवर्ड की हो जाएगी अगर ये हमारी रेड कैंडल बनती है तो। ओके सो मैं यहाँ पर अगेन थ्री मैंने कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बेसिस पर मैंने डाउनवर्ड की ओर ट्रेड प्रेस कर दी है। ओके वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके 55 सेकेंड्स है मेरे पास, वेट करेंगे। ओके देन गाइस चांसेस यही हैं कि 98% ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए, डाउनवर्ड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ओटीसी का मार्केट है। तो ओटीसी के मार्केट पर हमारे गाइस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अब मान के चलिए कि 95% ही अप्लाई होते हैं, 100% एंड 110% अप्लाई की श्योरिटी हम नहीं ले सकते गाइज। ओके क्योंकि ओटीसी का मार्केट जो होता है वो आउट ऑफ रूल्स होता है। ओके इसीलिए उसमें वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। ओके सो गाइज मैंने आप सभी को कहा था कि हमारी ये लगभग 98% विन होकर के आएगी, देन ये हमारी ट्रेड 100% विन होकर के आएगी। ओके सो गाइज इन्हीं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बेसिस पर मैं आप सभी के सामने यहाँ एक तगड़ा रिस्क लेने वाली हूँ। तो गाइज देखते हैं कि हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि क्लोज पॉइंट पर पहुंच रही है, नहीं विन होकर के आ गई। ओके तो गाइस देख सकते हैं हमें यहाँ पर $2,880 का प्रॉफिट हो चुका है। ओके सो अगेन हमारी ये ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप बन चुकी है। सो मैं यहाँ पर मैंने दो ट्रेड अप्लाई की हुई है पॉट की ओर। ओके 46 सेकेंड टाइम है हमारे पास, क्योंकि ग्रीन कलर का हमने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 7 की वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हमारे मार्केट चार्ट्स पर स्पिनिंग टॉप चाइल्ड वार ग्रीन कलर का देखने को मिलता है तो वहाँ हमारे चांसेस ये रहते हैं कि हमारा मार्केट अपआउट की ओर जाएगा। आप वो वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ओके सो 29 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, वेट करेंगे। ओके कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके 22 सेकंड्स हैं, देन ये हमारी ट्रेड अच्छी खासी विन होकर के आ रही है। बाकी 70 सेकंड्स के बाद 15 सेकंड्स के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे ट्रेड का रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा। ओके देन मैं यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगी। ओके गाइज $1,000 इन्वेस्ट करूंगी। एंड गाइज तो गाइज आप सभी ने देखा किस तरह से हम जिन सीरीज की वीडियोस में मैंने आप सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे उनके बेसिस पर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने परसेंट उनकी श्योरिटी है विनिंग की। ओके सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल गाइस अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय बाय।